हमें एक क्यूब गिवन है जिसकी साइड है ट्वेल्व सेंटीमीटर इसको हम कुछ ऐसे मान लेते हैं इसको हमने कट किया है एट क्यूब्स में तो इसको कट करके मैंने कुछ ऐसे बनाया है एट क्यूब्स जिनका वॉल्यूम इक्वल है यानी वॉल्यूम ऑफ दिस बिग क्यूब है एट इन टू ऑफ स्मॉल क्यूब्स के बराबर हमें साइड ऑफ न्यू क्यूब निकालना है मैं इस छोटे क्यूब का साइड मान लेता हूँ ए सेंटीमीटर हमने इसे सेंटीमीटर में इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर ट्वेल्व सेंटीमीटर के बने पहले हम ये साइड निकालते हैं इसे हम लिख लेते हैं कुछ ऐसे अब गिवन है कि वॉल्यूम्स इक्वल है यानी वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब विथ साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ एट क्यूब्स विथ साइड ए सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब तो ये होगा साइड ऑफ बिग क्यूब का क्यूब इक्वल टू एट इन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब का क्यूब साइड ऑफ बिग क्यूब है ट्वेल्व साइड ऑफ स्मॉल क्यूब है ए तो ये आ गया ट्वेल्व क्यूब इक्वल टू एट इंटू ए क्यूब एट को मैं लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा तो ए क्यूब की वैल्यू आएगी मेरी कुछ ऐसे अब यहाँ पे मैं एट को लिखता हूँ टू इंटू टू इंटू टू नोटिस करूँ टू और ट्वेल्व कैंसिल होकर सिक्स बचेगा सिमिलरली यहाँ पे कैंसिल होकर सिक्स बचेगा और यहाँ पे भी तो ये आएगा सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स यानी सिक्स का क्यूब अब यहाँ लेफ़्ट साइड ए क्यूब है राइट साइड सिक्स का क्यूब है तो यहाँ क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा ए की वैल्यू आएगी सिक्स तो मेरा साइड ऑफ स्मॉल क्यूब आ गया सिक्स सेंटीमीटर अब हमें रेशियो ऑफ़ सरफेस एरिया निकालना था रेशियो ऑफ़ सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर डिवाइड बाई सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड सिक्स सेंटीमीटर अब सर्फेस एरिया ऑफ़ क्यूब का हमला होता है सिक्स इंटू साइड का स्क्वेयर तो ये होगा सिक्स इंटू साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई सिक्स इंटू साइड ऑफ स्मॉल क्यूब का स्क्वायर, साइड ऑफ बिग क्यूब है ट्वेल्व साइड ऑफ स्मॉल क्यूब है सिक्स तो ये कुछ ऐसा आ गया सिक्स और सिक्स कैंसिल हो गया सिक्स और ट्वेल्व कैंसिल होकर टू बचेगा सिक्स और ट्वेल्व कैंसिल होकर टू बचेगा ये आएगा टू इंटू टू यानी फोर बाय वन यानी फोर इस टू वन